अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो एज़ यूजुअल, जैसे मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि मैं आपसे दो नर्सरीज़ की वीडियोस और शेयर करूँगी। जो नर्सरी मैंने पहले शेयर की थी वो उसमें हम लास्ट में गए थे और उसमें हमें प्लांट्स मिल गए थे, लेकिन ये नर्सरी पैराडाइज नर्सरी में हमने फ़र्स्ट विज़िट किया था तो इसमें इतने ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी नहीं थी, लेकिन ये भी खूबसूरत थी। स्ट्रॉबेरी जो सेंटर में पड़ी हुई है बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा ये पहले शेयर कर दूँगी। जो लास्ट वाली, इसके बाद जो मैं आपसे नर्सरी शेयर करूँगी वो तो अमेजिंग है, और वो थोड़ी लंबी वीडियो थी इसलिए मैंने इसके साथ ऐड नहीं की, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था, लेकिन खाना मैंने इस वीडियो में साथ अटैच कर दिया। उस वो वीडियो तकरीबन इटसेल्फ ही तकरीबन 15 मिनट की है, तो इसके साथ ऐड करती तो वो और भी लंबी हो जाती, तो फिर आप लोगों ने बोर हो जाना था। पहले 2 मिनट की वीडियो देखी जाती है, फिर 1 सेकंड वीडियो देख के आप लोगों ने भाग जाना था। सो वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो लास्ट में शेयर करूँगी और उसे सेपरेटली शेयर करूँगी। तो आप ये वाली पैराडाइज, ये छोटी सी थी और इसमें प्लांट्स की ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, तो यहाँ पर बस हम देख के चले गए थे, यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था। तो इसके बाद हम लोग गए थे दूसरी नर्सरी, देन 3 नर्सरीज को विज़िट करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने फिर बाहर से ही खाना खाया था। तो आगे मैं आपसे आपका डिनर शेयर करूँगी। खाना टेस्टी लग रहा है, कैसे धुआं निकल रहा है। इधर कर रहे ना। अच्छा जी, ये 3 जो नर्सरीज थी इसको विज़िट करने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी, और टाइम भी खासा, हम लोग 12 बजे 1 बजे के निकले और शाम के 7-8 बज चुके थे। और मैंने हस्बैंड से कहा था कि मैं ना घर जाके खुद खाना बनाती हूँ, पुलाव बना के खिलाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत थक चुके हैं, अब क्या जाके बनाओगी, फिर उसमें घंटा लगेगा, बच्चों को भी भूख लगी, हम बाहर से खा लेते हैं। तो हम लोग ये रेस्टोरेंट, हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन इसका खाना बहुत मज़े का था। हस्बैंड ने पाए ऑर्डर किए थे और मैंने कि शिजलर कबाब थे, और शुरू में मैंने इसलिए ये वॉइस ओवर नहीं किया था कि आपको कबाब की जो सिजलिंग की आवाज़ थी ना वो बहुत मज़े की थी, वो आपको आए वो आप देख सकें। तो बहुत मज़े के, बहुत यमी कबाब थे। क्या नाम था इसका, खैर मैंने इसकी एक और प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसमें मैं आपको इसका एड्रेस और वो ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी, और लेकिन बहुत मज़े के थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको नर्सरी कैसी लगी, आपको खाना कैसा लगा। और टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, आप खाना इंजॉय करें हमारे साथ और हम भी खाना इंजॉय करते हैं।